हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो कंपनी अपने कस्टमर का ध्यान रखती है ना, वो कंपनी भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम कमा ले बट वो लाइफ टाइम सर्वाइव जरूर करती है। इसका जीता जाता एग्जांपल है टाटा मोटर्स। वो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। इसके पीछे लॉजिक क्या है, टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली गाड़ी टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली गाड़ी बन चुकी है जो आप लोगों को चार फ्यूल ऑप्शंस जो है प्रोवाइड करती है। नंबर वन पेट्रोल, नंबर टू डीजल, नंबर थ्री सीएनजी और नंबर फोर ईवी। अब जब लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को पेट्रोल डीजल नहीं, मेरे को सीएनजी चाहिए, अगर मैं सीएनजी में ऑप्शन मिलता तो मैं गाड़ी ले लेता, तो आप लोगों को सीएनजी में भी ऑप्शन दे दिया। अब आप कहते हो कि पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं चलती, तो भाई आप ईवी में भी ऑप्शन आपको दे दिया। आप कहोगे कि नहीं पेट्रोल भी नहीं चाहिए मेरे को, ईवी भी नहीं चाहिए, सीएनजी भी नहीं चाहिए, मेरे को तो डीजल चाहिए। आपको डीजल के अंदर भी ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर डीजल में अगर आप जो है ऑप्ट करते हो तो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो पावर है वो 115 पीएस और टॉर्क आप लोगों को 260 न्यूटन मीटर का मिल जाएगा। वहीं पे इसके अंदर ट्रांसमिशन में ऑप्शन जो है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड एएमटी का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप लोग जो है पेट्रोल के अंदर ऑप्शन जो है चूज करना चाहते हो तो पेट्रोल के अंदर इसके अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि सक्षम है 120 पीएस की पावर निकालने में और साथ में जो प्रोवाइड कर देगा 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वहीं पे इसके अंदर जो ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी के अंदर मिलेंगे पेट्रोल में, वो है आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड एएमटी एंड 7 स्पीड डीसीटी। तो सीएनजी के अंदर आप लोगों को सेम इंजन मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अंदर पावर थोड़ी कम होगी 20 पीएस की, ये आपको निकाल के देता है 100 पीएस की पावर, बट टॉर्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। टॉर्क इसके अंदर आप लोगों को सेम 170 न्यूटन मीटर का मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर आप लोगों को दो कैटेगरी देखने को मिलती है, एक मीडियम रेंज और एक आती है लॉन्ग रेंज। अगर आप लोग प्रेफर करते हैं मीडियम रेंज में, उसके अंदर आप लोगों को जो बैटरी पैक मिलेगा वो मिलेगा 30 किलोवाट आर का। वहीं पे उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है वो है 1। पावर ये जो जनरेट करके देगा वो देगा 129 पीएस एंड इसके साथ में आप लोगों को जो टॉर्क निकल के आएगा वो आएगा 215 न्यूटन मीटर का। इसके अंदर जो इसकी एमआईडीसी क्लेम रेंज की गई है वो है 325 किलोमीटर की। वहीं अगर आप लॉन्ग रेंज ऑप्शन को चूज करते हो उसके अंदर आप लोगों को 40.5 किलोवाट आर की बैटरी मिल जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसके अंदर 1 ऑप्शन रहेगा। पावर जो ये निकाल के देगी बढ़ जाएगी 143 पीएस की। टॉर्क सेम रहेगा 215 न्यूटन मीटर का, बट इसके अंदर जो क्लेम रेंज मिल जाएगी एमआईडीसी वो आप लोगों को मिल जाएगी 465 किलोमीटर की। वहीं इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है लॉन्ग रेंज में, 45 किलोवाट आर की बैटरी मिल जाएगी। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑप्शन 1 रहेगा। इसके अंदर आप लोगों को पावर निकल के जो आएगी वो आएगी 143 पीएस की और निकल के आएगा वो आएगा 215 न्यूटन मीटर का, लेकिन इसके अंदर जो क्लेम रेंज मिलेगी वो मिलेगी आपको 485 किलोमीटर की। नेक्सॉन की जो आइस प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है 8 लाख रुपए से लेके 15.5 लाख रुपए तक की। इसका जो कॉम्पिटिशन डायरेक्ट होता है वो होता है हुंडई की वेन्यू से, किया की सोनेट से, महिंद्रा की XUV 3XO जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, निसान मैग्नाइट एंड मैनी मोर। वहीं पे अगर हम बात करें जो रिसेंटली टाटा की तरफ से नेक्सॉन सीएनजी उतारी गई है उसकी जो प्राइस स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है 8.99 लाख से लेके 14.59 लाख। इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन होता है ना दोस्तों वो होता है मारुति की तरफ से आने वाली ब्रीजा सीएनजी, साथ में मारुति की फ्रॉन्क सीएनजी। यहाँ पे जो टाटा नेक्सॉन ईवी की जो प्राइसिंग प्लेस की गई है वो की गई है 12.5 लाख रुपए से 17,20,000 रुपए। इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है आपकी महिंद्रा की XUV 400 ईवी से। दोस्तों ये टाटा की तरफ से एक गेम चेंजर मूव जो है साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें गाड़ी पसंद होती है बट उसके अंदर हमें हमारे मन मुताबिक जो फ्यूल ऑप्शन है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन अब इसके अंदर चारों फ्यूल ऑप्शन देके आप लोगों को वहीं बांध के रख देंगे। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।